अपनी कमजोरी को ही अगर हम अपनी ताकत बना लें तो दुनिया में कोई भी आपको अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी से बड़ी कामयाबी भी आपके कदमों को चूमती है और दुनिया आपको सलाम करने लगती है। जी हाँ, ऐसी ही कुछ बातें सच कर दिखाई हैं दुनिया की सबसे छोटे कद की भारतीय महिला ज्योति आमगे ने। भारत की रहने वाली ज्योति आमगे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे छोटी महिला का खिताब दिया है। सबसे पहले हम आपको ज्योति के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि ज्योति का जन्म 16 दिसंबर 1993 को भारत के नागपुर शहर में हुआ था। आज ज्योति चाहे अपने 25वें साल को पार कर रही है, परंतु फिर भी उसका शरीर और कद देखकर आप उसको कोई गोद में खेलता हुआ बच्चा ही समझेंगे। ज्योति का कद मात्र 62.8 सेंटीमीटर का है और इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ज्योति को दुनिया की सबसे छोटी महिला होने का अवार्ड दिया है। आइए बात करते हैं कि ज्योति अपने इस छोटे कद के बारे में क्या सोचती हैं और इस छोटे कद को लेकर उसको क्या क्या दिक्कतें पेश आई हैं। अपने इस छोटे कद के बारे में बात करते हुए ज्योति ने हमें बताया कि वह अपने इस छोटे कद को कमजोरी नहीं मानती, बल्कि इस छोटे कद की वजह से ही वह दुनिया भर में फेमस हो गई है। जहां भी वह जाती है, लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने को उत्सुक दिखाई देते हैं। अब तक देशों विदेशों में कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी ज्योति पर बनाई जा चुकी हैं और अभी हाल ही में ज्योति का लंदन में जाने का भी प्रोग्राम बना हुआ है। शायद इसीलिए ज्योति अपने छोटे कद को अपनी कमजोरी ना मानते हुए अपने इस छोटे कद के कारण मिली प्रसिद्धि का आनंद उठा रही है। हमारा इस कहानी को आपके सामने लाने का मकसद भी यही है कि आप ज्योति की इस कहानी से, ज्योति के जीवन से प्रेरणा लें और अपनी कमजोरियों को दरकिनार करके अपने जीवन को एक नए अंदाज में जीना सीखें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शिरडी की सारी इंफॉर्मेशन होती है और उन्होंने मुझे यहाँ पे प्रोग्राम के लिए बुलाया था, तो उस प्रोग्राम के लिए आई थी। और कल मैं फिर से मुंबई जा रही हूँ क्योंकि मुझे लंदन जाना है। लंदन में मेरी एक डॉक्यूमेंट्री का इंटरव्यू है छोटा, उसके लिए। और यहाँ पे मैं साई मेरेटल होटल में रुकी हुई हूँ और दिल्ली में मैं राजपथ पे रहती, इंडिया गेट देखी, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, ये घूम कर बहुत अच्छा लगा। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग भी मिले मुझे वहाँ सारे लोग वो घूमना छोड़ के मेरे साथ फोटोज ले रहे थे और मजा आया। अभी होटल में भी यहाँ पे आपके मिलने बहुत सारे लोग आए हुए हैं और फोटो ले रहे हैं अब तो मुझे आदत हो गई है ये सबकी और मैं जब से आई हूँ तब से सारे लोग मुझे मिलने आ रहे हैं और सब फोटोज ले रहे हैं। बोर तो नहीं होती आप? नहीं, बोर नहीं होती, मजा आता है। मजा आता है। मैं लंदन जा रही हूँ और वहाँ पे जो सबसे टॉलेस्ट पर्सन है वो आ रहे हैं सुल्तान, और सबसे स्मॉलेस्ट लेडी मुझे बुलाया है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग है तो उसके लिए जा रही हूँ मैं कल। अच्छा, मिले आप, कैसा लगा बात? अच्छा, एक फोटो भी खिंचवाई। सेल्फी? सेल्फी नहीं, कैमरा। अच्छा, कैसे पता चला आपको? मेरे चाचू ने बताया था मुझे कि मैंने फोटो खिंचवाई है, शॉर्टेस्ट गर्ल ऑफ वर्ल्ड जो है वो मेरे फूफा जी के होटल में आई हुई है, तो मैंने जिद करी कि मुझे भी देखना है, तो वो मुझे आज यहाँ लेके आए।